हेलो गाइस, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं सुपर टॉक्सिस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल की और एक न्यू वीडियो के दिल से स्वागत। तो गाइस, हमारे सामने गाइस कुछ दिवाली का मौसम आ रहा है, ठीक है। तो हम दिवाली पर इस तरह के कुछ लाइट डेकोरेशन घर पे नहीं बनाए तो ऐसा नहीं हो सकते, ठीक है। तो आज हम लोग जो डेकोरेशन बनाने जा रहे हैं बहुत ही ओपी, मतलब आप सभी लोग को देख के तो एकदम दिमाग छूट जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर RGB लाइट को फिक्स करेंगे, मतलब RGB लाइट को हम खुद पर हाथों से बनाएंगे, ठीक है। तो इधर कुछ पाइप देख रहे हो गाइस, तो इधर इसको लगा के इसके अंदर लाइट को फिक्स करके इधर कुछ लाइट, मतलब लाइट इधर से रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं तो आप सभी लोग वीडियो पूरा देख लेना, तो वीडियो के चलते चलते मैं बताऊंगा कैसे इसको करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो कंपोनेंट लिया है गाइस, एक पोटेंशियल मीटर, ठीक है, जो कि हमारा जो LED, मतलब हमारा हाथ में कुछ इस तरह के कुछ लाइट है गाइस, देख ही सकते हो, जो कि हमारा RGB लाइट को बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो इस लाइट को इसके जरिए से हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इधर रख देते हैं, ठीक है कुछ। और ये जो पाइप है गाइस, मार्केट से हम लोग खरीद के लाए हैं, और इसका जो नाम है गाइस, बहुत सारे बंदे कमेंट पर पूछोगे तो इसका नाम क्या है, इधर इसको नाम है गाइस 4H सॉकेट बोल सकते हो, ठीक है। तो आप आसानी से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, आप मार्केट पर जाके इसको दिखा लेना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं गाइस काम पर, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हो गया तो सॉरी गाइस, तो आ जाती इसका पूरा सेटिंग करने का, ठीक है। तो गाइस, हमारे हाथ में कुछ इस तरीके के दो ब्लू है, दो ग्रीन है, ठीक है, जो कि इस तरीके के गाइस इसका 4 कोड है, मतलब इधर इस तरीके के कुछ अंदर इसको एक एक करके फिट कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगा, मतलब प्लस के साथ प्लस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव वायर आपको कैसे पता चले, तो गाइस एक वायर देख सकते हो, एक वायर बड़ा है तो ये है पॉजिटिव और दूसरा वायर छोटे है तो ये है नेगेटिव, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर सोल्डरिंग कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देख लेना, सोल्डरिंग करने के बाद मैं आता हूँ आपके साथ बात करने। तो गाइस, हमने कुछ इस तरीके के जो ग्रीन और ब्लू का लाइट को हमने पूरा इसका पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, इधर 4 है, ठीक है। तो गाइस, हमारे हाथ में कुछ इस तरीके का 4 सॉकेट मेरे को पहले जो बोला था, ठीक है। तो और दूसरे नंबर बात है कुछ इस तरीके का सुपर ग्लू, जो कि बहुत ही खतरनाक है, और इस जो पाइप है गाइस, इसके अंदर मैं इसको पूरा फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमको इधर इसको पूरा, मतलब सुपर ग्लू से इसका पूरा चिपकाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो ये पूरा अभी हो गया, ठीक है, मैं इसको तो गाइस हमने पूरा देख ही सकते हो गाइस, इधर पूरा 4 पाइप को हमने पूरा इधर इसको ग्लू के जरिए से हमको इधर पूरा सेट कर देना पड़ा, ठीक है। तो हमने पूरा सेट कर लिया, ठीक है, देख ही सकते हो गाइस। तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं, तलवार की ज्यादा लग रहा है हमको धर के, और कोई बात नहीं है। और कुछ इस तरह के कुछ पीसेस मैंने काट लिया इस पाइप के थोड़ा सीट करके, ठीक है। तो देख ही सकते हो इसके अंदर हमारा जो LED, मतलब जो RGB लाइट है ना गाइस, तो ब्लू और ग्रीन लाइट, तो इसके अंदर इसको फिक्सन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे फिक्सन करो आप, तो आप सभी लोग देखते जाओ, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके के कुछ PVC सीट मैंने पहले बोला था, तो इसके अंदर इसको थोड़ा फंसा लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको एक कैंची की मदद से इसको थोड़ा होल कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके का हमको 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके के कुछ 4 सीट के अंदर इसको बैठा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके के कुछ मैंने सीट को इधर लाइट के अंदर इसको फंसा लिया, ठीक है। तो अब बारी है गाइस इसके अंदर इसको पूरा सेट करने का, ठीक है। तो गाइस, हमने पूरा इसको जो लाइट था गाइस, तो हमने कुछ तरह ग्लू से इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि फेविकॉल से, मतलब सुपर ग्लू से चिपक नहीं रहा था, ठीक है। तो हमने उसलिए ग्लू से इसको चिपक दिया। तो ये है हमारा पॉजिटिव वायर, मतलब इसको छोटी करे है मैंने, अरे है ने, मतलब नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसको मैंने बड़ा किया है। तो अब बारी है गाइस कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह के एक एडोप्टर की, ठीक है, जो कि हमारा चार्जर से इसको कनेक्ट हो सकते है लाइट, ठीक है। तो इसको इसके अंदर पूरा फिक्स्ड कर दूंगा मैंने, तो इसके अंदर पूरा घुसा दूंगा, तो देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा कुछ ग्लू लगा दूंगा, नहीं तो ये खुल के भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं इसको ग्लू लगा रहा हूँ, तब तक आप सभी लोग वीडियो देखना, ठीक है। तो गाइस, हमने पूरा इधर ग्लू से इसको चिपका दिया, ठीक है, जो कि हमारा बहुत ही टाइट हो गया, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आता है गाइस कुछ इस पकड़ के, जो ऊपर का जो एक केस होता है, ठीक है, ढक्कन बोल सकते हो, तो इसको मैंने एक होल कर लिया, जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर को इसको अंदर इसको ऐड करना पड़े, ठीक है।
इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको पोटेंशियल मीटर को इसको इधर सोल्डरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्डरिंग हम लोग कैसे करें तो आप सब लोग देखते जाओ, ठीक है, नहीं तो गैस आगे बोलोगे राज भैया मेरे को पता नहीं लगा, ठीक है। तो गैस हमारा जो ये जो गैस ये जो जुगाड़ देख सकते हो, ठीक है, हमारा जो ये जो पॉजिटिव वायर है तो इसके साथ इसको मिलाना होगा, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ गैस, मैं मेरा पास कुछ हीट सिंक पाइप है, ठीक है। तो हीट सिंक पाइप को तो गैस मेरे पास कुछ इस तरह का एक हीट सिंक पाइप है जो कि मैं इसको इधर से थोड़ा काट लूंगा, नहीं तो इसके अंदर इसको चिपकाऊंगा, ठीक है। तो हीट सिंक पाइप का बहुत ही ज्यादा जरूरत है मेरे को, ठीक है। तो थोड़ा इतना ही होगा, इतना ही बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा एलईडी का पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव के साथ एडोप्टर की पॉजिटिव को मैं मिला लूंगा, ठीक है। तो ये है नेगेटिव पॉइंट, मतलब लाइट का नेगेटिव, तो इसके साथ इसको मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा पूरा लाइट बन के तैयार हो गया, देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसका कनेक्शन आप सभी लोग समझ ही चुका हो, ठीक है। तो अब बारी है इसके ऊपर इस तरीके के पोटेंशियल मीटर को लगाना होगा, ठीक है। अभी बारी है इसको टेस्टिंग करने का, ठीक है। तो चलो गाइस इसको टेस्टिंग करते हैं, आप कैसा लग रहा है गाइस देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा आदमी कुछ इस तरीके का एक बॉल हो गया, ठीक है। तो इसका लाइट गाइस देख ही सकते हो, थोड़ा इसको ऑफ करता हूँ तो दूंगा, तो गाइस देख ही सकते हो बहुत ही कूल लाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और भी इमेजिन करने के लिए हमको कुछ ब्लैक टिप की इधर लपड़ना होगा, तो आपको एक ऑसम फील देखे, ठीक है। तो गाइस इसका जो लुक है मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, लाइट ऑफ करके। तो गाइस देख ही सकते हो कैसा लग रहा है, एकदम ओपी लग रहा है। तो आप घर पे इस तरह की कुछ लाइट बनाओ, देख लेना बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।